हाँ जी दोस्तों, तो कैपिटलिस्ट इकोनॉमी के बाद जो नेक्स्ट इकोनॉमी हमारे पास आती है वो आती है सोशलिस्ट इकोनॉमी। सोशलिस्ट इकोनॉमी को समझने के लिए पहले मैं ये पूरा जो पैराग्राफ है वो आपके सामने पूरा पूरा रीड करूंगा, आप ध्यान से सुनना। इन शॉर्ट अगर मैं इसको पढ़ने से पहले आपको बता दूं तो सोशलिस्ट इकोनॉमी का मतलब कह सकते हो कि ये अच्छी इकोनॉमी नहीं मानी जाती। ये इकोनॉमी वो हो गई जो कि पूरा का पूरा कंट्रोल किया जाता है किसी एक कंट्री के द्वारा या स्टेट के द्वारा। मतलब क्या हुआ कि जैसे इसके एग्जाम्पल में आप देखोगे चाइना आता है, नॉर्थ कोरिया आता है, वो ऐसी इकोनॉमी है जो कि सोशलिस्ट इकोनॉमी का एग्जाम्पल है। क्यूबा आता है, ये सारी सोशलिस्ट इकोनॉमी की एग्जाम्पल है। जहां पे एक इंडिविजुअल फ्रीडम नहीं है लोगों के पास, वहां पे जो कंट्री है और जो कंट्री की सेंट्रल प्लानिंग अथॉरिटी है उसके द्वारा पूरे कंट्री के कंजम्पशन और प्रोडक्शन को मैनेज किया जाता है। इंडिविजुअल फ्रीडम नहीं होता लोगों के पास। तो इन शॉर्ट आपको मैंने इतना बताया पहले, अब इस पैराग्राफ को रीड करते हैं उसके बाद इसके आगे की बातों को समझेंगे। कह रहा है द कॉन्सेप्ट ऑफ सोशलिस्ट इकोनॉमी वॉज प्रोपाउंडेड बाय कार्ल मार्क्स एंड फ्रेडरिक एंजल्स इन देयर वर्क द कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो, पब्लिश हुई थी 1848 के अंदर। मतलब इस किताब के अंदर इन्होंने इसके बारे में चर्चाएं की थी। ठीक है, इन दिस इकोनॉमी द मटेरियल मीन्स ऑफ प्रोडक्शन, जैसे कि फैक्ट्रीज हो गए, कैपिटल हो गया, माइंस हो गए, ये सारे के सारे जो है वो ओन्ड होते हैं किसके द्वारा, होल कम्युनिटी रिप्रेजेंटेड बाय स्टेट। मतलब यहाँ प्राइवेट प्रॉपर्टी का कॉन्सेप्ट यहाँ पे नहीं होता जैसे कि आपने पीछे देखा था। ऑल मेंबर्स आर इंटाइटल टू गेट बेनिफिट फ्रॉम द फ्रूट्स ऑफ सच सोशलाइज्ड प्लान प्रोडक्शन ऑन द बेसिस ऑफ इक्वल राइट्स। यहाँ पे जो राइट्स होंगे सभी लोगों के जो भी इस इकोनॉमी के अंदर रह रहे होंगे उन सभी के इक्वल होते हैं। अ सोशलिस्ट इकोनॉमी इज ऑल्सो कॉल्ड, ये इंपॉर्टेंट आपको ध्यान रखना कि इसको हम कमांड इकोनॉमी भी कहते हैं और सेंट्रली प्लान्ड इकोनॉमी भी कहते हैं, ये इसके नाम है, आपको ध्यान रखना है, एग्जाम में आते हैं। रिसोर्सेज आर एलोकेटेड अकॉर्डिंग टू द कमांड ऑफ सेंट्रल प्लानिंग अथॉरिटी। जो रिसोर्सेज उसका एलोकेशन देखा था आपने पीछे कि जो प्राइवेट प्लेयर्स हैं वो खुद से कर पाते हैं, लेकिन यहाँ पे क्या है, यहाँ पे सेंट्रल प्लानिंग अथॉरिटी है, उसके कमांड्स के अकॉर्डिंग ही रिसोर्सेज एलोकेट किए जाते हैं। देयरफॉर मार्केट फोर्सेज हैव नो रोल इन द एलोकेशन ऑफ रिसोर्सेज। मतलब डिमांड सप्लाई का यहाँ पे कोई रोल नहीं है उसके अकॉर्डिंग, प्राइस मैकेनिज्म का यहाँ पे कोई रोल नहीं है उसके अकॉर्डिंग यहाँ पे कोई काम नहीं होता। अंडर अ सोशलिस्ट इकोनॉमी प्रोडक्शन एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ गुड्स आर एम टू मैक्सिमाइज द वेलफेयर ऑफ कम्युनिटी एज अ होल। मतलब कि प्रोडक्शन और डिस्ट्रीब्यूशन इस तरीके से किया जाता है गुड्स और सर्विसेज का जिससे कि मैक्सिमाइज हो क्या, वेलफेयर किसका, कम्युनिटी का। कम्युनिटी को आप सिंपली कह सकते हो कि उस कंट्री का वेलफेयर मैक्सिमाइज करने के लिए। यहाँ पे कोई प्राइवेट बंदा प्रॉफिट मेकिंग काम करेगा तो उसका सपोर्ट नहीं किया जाता, इंस्टेड ऑफ कि यहाँ पे जो गुड्स और सर्विसेज की जो प्रोडक्शन या डिस्ट्रीब्यूशन है वो इस पर्पज के लिए किया जाए कि एज अ कम्युनिटी का वेलफेयर मैक्सिमाइज हो सके। तो ये बेसिकली इंटेंशन है, अच्छी कंट्रियों के एग्जाम्पल में नहीं आता। थ्योरेटिकली इसको ऐसा भी कहा जाता है कि ऐसी कोई कंट्री है नहीं, बट कई कई जगहों पर आप देखोगे, इवन तो आपकी बुक में भी लिखा हुआ है कि जो चाइना, नॉर्थ कोरिया, क्यूबा इस टाइप की कंट्रीज हैं वो इसके एग्जांपल में आती है। ठीक है, इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक देख लेते हैं कि किस तरीके से पता लगता है कि कौन सी कंट्रीज हैं जो कि हमारी इस इकोनॉमी के अंदर फॉल करती है, सोशलिस्ट इकोनॉमी का पार्ट होती है। तो उसका पहला पॉइंट आता है कलेक्टिव ऑनरशिप। कलेक्टिव ऑनरशिप का मतलब क्या हुआ कि जो प्रोडक्शन वगैरह है उसमें जो ऑनरशिप होता है वो किसी एक का ही होगा। कलेक्टिव ऑनरशिप का मतलब क्या है कि अलग अलग लोगों के पास इसकी ऑनरशिप नहीं होती, एक्सेप्ट बात करें अगर कोई छोटी मोटी फॉर्म्स वगैरह है, कोई वर्कशॉप वगैरह है, वो काम कर रहे हैं अपने प्राइवेटली तो कर सकते हैं, बट ओवरऑल जो प्रोडक्शन है उसकी जो ऑनरशिप होगी वो कलेक्टिव होगी, मतलब किसी एक के पास होगी, वो लोगों तक नहीं जाएगी। इसका बेसिकली पर्पस क्या है, ऑब्जेक्टिव क्या है। देखो ऐसी जो कंट्रीज होती है वो क्या सोचती है, वो सोचती है कि सपोज करो एक कंट्री है, ठीक है, अब एक कंट्री है, लेट्स से मैं एग्जांपल लेता हूं चाइना, ठीक है ना। अब यहां पे एक प्राइवेट प्लेयर है, सपोज तीन प्राइवेट प्लेयर है, अब ये क्या सोचेगा, ये तो सोचेगा भैया मुझे प्रॉफिट आना चाहिए बाकी दुनिया भाड़ में जाए, ये सोचेगा मुझे प्रॉफिट आना चाहिए बाकी दुनिया भाड़ में जाए, ऐसी ये भी सोचेगा कि भैया मैं प्रॉफिट कमाऊं बाकी से मुझे क्या लेना देना। ऐसा इंडिविजुअली एक नॉर्मल इंसान सोचता है, कैपिटलिस्ट के अंदर हमने देखा कि ऐसा सोचता है, और ये सोचना उनके लिए अच्छा है क्योंकि इससे वो बेस्ट अच्छा काम करते हैं, बहुत अच्छा आउटकम देते हैं और उससे भी ओवरऑल कंट्री की ही ग्रोथ होती है। लेकिन चाइना क्या कहता है, भैया तुम जो काम करोगे ना वो पर्सनल से ज्यादा चाइना के बेनिफिट के लिए करोगे, पर्सनल से ज्यादा चाइना के बेनिफिट के लिए करोगे, पर्सनल से ज्यादा चाइना के बेनिफिट के लिए करोगे, पूरे चाइना का उसका वेलफेयर होना चाहिए, ऐसा नहीं कि तुम अपना प्रॉफिट 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 देखोगे, ये यहां पर नहीं चलेगा। तो ऐसी कंट्री रेगुलेट करना चाहती है, ठीक है ना। तो ऐसी कंट्रीज का मेन जो ऑब्जेक्टिव है वो क्या है कि भैया रिसोर्सेज जो भी है इस कंट्री के उसको कैसे यूज किया जाए इस तरीके से ताकि वो अचीव कर सके सर्टेन सोशियो इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव। सोशियो इकोनॉमिक का मतलब फॉर दैट कंट्री पर्पस, ठीक है ना। इनका पर्सनल प्रॉफिट का यहाँ पे मेन ऑब्जेक्टिव नहीं रह जाता जो कि पिछली इकोनॉमी में था।
नेक्स्ट आता है इकोनॉमिक प्लानिंग। इकोनॉमिक प्लानिंग किस तरीके से की जाती है, तो जैसे आपने पीछे देखा कि वहां तो लोगों को फ्रीडम दे दिया गया कि भैया तुम खुद से अपनी प्लानिंग करो और उस अकॉर्डिंग काम करो, लेकिन यहां पे कहा गया कि भैया नहीं, इकोनॉमिक प्लानिंग के लिए एक अथॉरिटी बनाई गई है जिसका नाम है सेंट्रल प्लानिंग अथॉरिटी, जो कि गोल्स वगैरह सेट करती है, जितने भी मेजर इकोनॉमिक डिसीजन होते हैं वो इन्हीं के द्वारा लिए जाते हैं। मतलब जैसे कि आपके जो सेंट्रल इकोनॉमिक प्रॉब्लम थी, व्हाट टू प्रोड्यूस, व्हेन टू प्रोड्यूस, हाउ टू प्रोड्यूस, इस टाइप की जितनी भी प्रॉब्लम्स होती हैं, इन सभी का जो डिसीजन है वो किसके द्वारा लिया जाता है, वो लिया जाता है सेंट्रल प्लानिंग अथॉरिटी के द्वारा। तो इसलिए इकोनॉमिक प्लानिंग यहाँ पे हर किसी व्यक्ति के हाथ में नहीं है, वो एक अथॉरिटी के द्वारा है जो कि मैनेज किया जा रहा है उस पर्टिकुलर कंट्री के अंदर। अगला आता है एब्सेंस ऑफ कंज्यूमर चॉइस। ये भी एक अलग चीज हो गई और गलत चीज हो गई कि भैया कंज्यूमर चॉइस से यहाँ पे मतलब नहीं है, यहाँ पे कंज्यूमर की जो चॉइस है उसका यहाँ पे कोई रोल नहीं है, यहाँ पे तो भैया जो प्रोडक्शन की जा रही होगी वो प्रोडक्शन किया जाएगा, उसमें हम कंज्यूमर को ध्यान नहीं देंगे। हाँ, कंज्यूमर फ्री है, वो बिल्कुल जो मर्जी चाहे वो चूज करे, लेकिन वो ये चाहेगा कि मुझे यही प्रोडक्ट चाहिए और उसके अकॉर्डिंग ही प्रोडक्शन होने लग जाए, ऐसा यहाँ पे पॉसिबल नहीं होता। मतलब प्रोडक्शन जैसे हो रही है वो वैसे ही होती रहेगी, वो प्लैंड ही तरीके से होती रहेगी, बट जो हमारे कंज्यूमर उनके पास चॉइस है कि भैया उस प्लैंड जो भी प्लांट प्रोडक्शन है उसके अंदर से वो जिस मर्जी को चूज करना चाहे उसको चूज कर सकते हैं। ठीक है, अगला यहाँ पे एक और टर्म आता है एब्सेंस ऑफ कंज्यूमर चॉइस के अंदर कि भैया राइट टू वर्क जो है वो तो गारंटेड है, मतलब कि कोई ये नहीं कह सकता कि हमें काम नहीं मिलेगा, लेकिन चॉइस ऑफ ऑक्यूपेशन जो है उसमें रेस्ट्रिक्शन है। मतलब क्या हुआ कि भैया काम तो सबको मिलेगा, लेकिन किस फील्ड का काम मिलेगा उसके अंदर रेस्ट्रिक्शंस है। रेस्ट्रिक्शंस का मतलब कि उसके अंदर सेंट्रल प्लानिंग अथॉरिटी की भी इन्वॉल्वमेंट है, ये भी डिसाइड करेगी कि कितने लोग जो है वो किस ऑक्यूपेशन में होने चाहिए और कितने लोग जो है वो किस ऑक्यूपेशन में होने चाहिए। ऐसा नहीं है कि कोई एक सेगमेंट ही बिल्कुल राइज पे चला जाए और कोई बिल्कुल लो पे चला जाए। कहने का मतलब ये इक्वालिटी को प्रेफरेंस देते हैं, इस वजह से ये ऐसी चीज कहते हैं कि भैया राइट टू वर्क तो सबके पास है, लेकिन चॉइस ऑफ ऑक्यूपेशन जो है उसके अंदर रेस्ट्रिक्शन इम्पोज करती है सेंट्रल प्लानिंग अथॉरिटी। नेक्स्ट आता है रिलेटिवली इक्वल इनकम डिस्ट्रीब्यूशन। जैसे कि आपने देखा था पहले कि भैया टैलेंट के बेस पे काम होगा, इंसेंटिव मिलेगा आपके काम के बेस पे, आपकी इन्वेंशंस के बेस पे, आपकी खोज के बेस पे, लेकिन यहां पे ऐसा नहीं है। यहां पे कहा गया कि रिलेटिवली जो है ना वो इनकम का डिस्ट्रीब्यूशन जो है वो इक्वल ही होता है। ये एक बहुत इंपॉर्टेंट फीचर है सोशलिज्म का, मतलब कि भैया इक्वालिटी ऑफ इनकम जो कि एज सच नहीं होनी चाहिए, नहीं है इतना सही, लेकिन ये इनका फीचर है कि भैया सोशलिस्ट इकोनॉमी जो होगी उसके अंदर जो इनकम इक्वालिटी है वो मस्ट है। ठीक, उसके बाद कहा गया कि एजुकेशनल एंड अदर फैसिलिटीज आर इंजॉयड मोर और लेस इक्वली, दस बेसिस कॉजेज ऑफ इनइक्वालिटीज आर रिमूव्ड। मतलब कि किसी भी प्रकार से जो इनइक्वालिटी के कॉजेज होते हैं वो यहां पे हटा दिए जाते हैं। एजुकेशन की फैसिलिटी हो गई या और भी कोई फैसिलिटी है वो सभी को मोर और लेस इक्वली मिलेगी, थोड़ा बहुत ऊपर नीचे हो सकता है, लेकिन ऐसा नहीं होगा कि किसी को बहुत अच्छा एजुकेशन मिलेगा और किसी को बहुत बेकार एजुकेशन मिलेगा, इस टाइप का स्कोप यहां पे नहीं रह जाता। ये जो होगा वो इक्वल होगा सभी व्यक्तियों के लिए। ठीक, अगला मिनिमम रोल ऑफ प्राइस मैकेनिज्म इन मार्केट फोर्स। अब आपने देख लिया भैया जब यहाँ उस टाइप की कोई बात ही नहीं हो रही है, किस टाइप की, जो हमने देखी थी कैपिटलिस्ट इकोनॉमी के अंदर, जब उस टाइप की कोई चर्चा ही नहीं है तो ऑब्वियस सी बात है रोल जो है प्राइस मैकेनिज्म का या मार्केट फोर्सेस का वो भी यहाँ पे नहीं रह जाता, कॉम्पिटिशन का कोई सवाल नहीं रह जाता, क्योंकि यहाँ पे इकलौता कॉम्पिटिशन कौन है, इकलौता कॉम्पिटिशन कौन है हमारा स्टेट। तो स्टेट ही कॉम्पिटिशन होगा तो ऑब्वियस सी बात है प्राइस मैकेनिज्म काम ही नहीं करेगा, मार्केट फोर्सेस का कोई यहाँ पे चीज रही नहीं जाएगी। तो कहीं ना कहीं कहा जाता है कि प्राइस मैकेनिज्म जो है वो एग्जिस्ट तो करता है लेकिन सेकेंडरी लेवल पे, मतलब कि मिनिमम रोल है ना, तो सेकेंडरी लेवल पे। सेकेंडरी लेवल का मतलब क्या हुआ कि अगर हमारे पास स्टॉक रह गया, सपोज करो कि हमें बहुत सारा हमारे पास एक्युमुलेटेड स्टॉक है उसको डिस्पोज ऑफ करना है, तो वहां पे प्राइस मैकेनिज्म को यूज किया जा सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन इन जनरल यहां पे जब प्रॉफिट का मोटिव ही नहीं है तो प्राइस मैकेनिज्म जो अपना मेन फीचर है वो यहां पे लूज कर देता है। मतलब जब प्रॉफिट का मोटिव होता तब तो प्राइस मैकेनिज्म का यहां बहुत अच्छा रोल था, लेकिन यहां पे जब प्रॉफिट का मोटिव हटा दिया गया है तो कहीं ना कहीं प्राइस मैकेनिज्म जो है बिल्कुल वो ना के समान रह जाता है किसी भी इकोनॉमिक डिसीजन के अंदर। नेक्स्ट पॉइंट आता है आपका एब्सेंस ऑफ कंपटीशन। तो ये मैंने आपको पहले बता दिया कि जब यहाँ पे एक लौता मालिक ही स्टेट है तो यहाँ पे कंपटीशन करेंगे किससे, तो इसलिए कंपटीशन यहाँ पे रह नहीं जाता है। कहा जा रहा है कि पहले के टाइम पे यूएसएसआर जो था वो सोशलिस्ट इकोनॉमी का एग्जांपल हुआ करता था, लेकिन टुडेज वर्ल्ड में कहा जाता है कि कोई भी कंट्री नहीं है। स्टिल नॉर्थ कोरिया जो है वो हमारी वर्ल्ड्स मोस्ट टोटलिटेरियन स्टेट इज अनदर प्रोमिनेंट एग्जाम्पल ऑफ सोशलिस्ट इकोनॉमी। मतलब नॉर्थ कोरिया को एग्जाम्पल कहा जाता है। और अभी अगर एग्जाम्पल देखना चाहे तो हमारा चाइना और क्यूबा जो है वो भी इसके अंदर फॉल करता है, जो कि मैंने आपको पहले बताया था। तो ये कुछ कंट्रीज ऐसी, जैसे कि आप इनके बारे में न्यूज में भी सुनते होंगे कि यहाँ पे जो मेन कंट्रोल होता है वो इनकी गवर्नमेंट का ही होता है, यहाँ के लोगों की सुनवाई इतनी ज्यादा नहीं होती है, यहाँ के जो प्रेस होते हैं वो भी फ्रीडम के साथ काम नहीं करते हैं, यहाँ की जो पुलिस होती है वो एक्चुअल में
फ्रीडम के साथ काम नहीं करती है, मतलब सारा कुछ जो चल रहा होता है वो कहीं ना कहीं चल रहा होता है एज पर दी गवर्नमेंट। तो दिस इज दी कॉन्सेप्ट ऑफ सोशलिस्ट इकोनॉमी। नेक्स्ट, मेरिट्स क्या है, क्या फायदे हैं? तो इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन, ये आपने देख लिया कि भैया सबको इनकम फैसिलिटीज अपॉर्चुनिटीज जो होंगी वो सारी की सारी कैसे मिलेंगी, इक्वल मिलेगी, तो कहीं ना कहीं एक तरीके से अच्छी बात है। अगला कि बैलेंस्ड इकोनॉमिक डेवलपमेंट, मतलब क्या हुआ कि भैया यहाँ पे प्लानिंग जो है वो किसके द्वारा की जा रही है, सेंट्रल प्लानिंग अथॉरिटी के द्वारा की जा रही है। तो ऑब्वियस ही बात है कि जब कोई एक अथॉरिटी प्लान करेगी पूरे कंट्री को रन करने के लिए, पूरी इकोनॉमी को रन करने के लिए, तो बहुत तेज भी वो चलेगा और बिल्कुल बैलेंस तरीके से भी उसकी डेवलपमेंट होगी, मतलब कि फास्ट भी होगी और बैलेंस्ड भी होगी, क्योंकि यहाँ पे कोई और प्राइवेट प्लेयर का इन्फ्लुएंस नहीं है ग्रोथ के अंदर। तो एक अच्छे तरीके से प्लानिंग होगी तो वो इफेक्टिवली अचीव किया जा सकता है। नेक्स्ट आता है सोशलिस्ट इकोनॉमी इज अ प्लैंड इकोनॉमी, मतलब कि एक सोशलिस्ट इकोनॉमी जो है वो प्लैंड इकोनॉमी है। प्लैंड इकोनॉमी का मतलब जैसे आप पीछे देख रहे थे सेंट्रल प्लानिंग अथॉरिटी जो है उसका यहाँ पे इन्फ्लुएंस होता है। जब प्लैंड अथॉरिटी होगी तो आपके यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज हैं वो भी अच्छे से हो पाएंगे, कॉम्पिटिशन आपका रहेगा नहीं, तो रिसोर्सेज जो है आपके वो वेस्ट नहीं होंगे। रिसोर्सेज वेस्ट नहीं होने का मतलब समझ रहे हो, जैसे कि आपने पिछले जब देखा था कैपिटलिस्ट इकोनॉमी तो वहां पे देखा था कि एडवर्टीजमेंट में ना रिसोर्सेज वेस्ट हो जाते हैं। ये कहते हैं ये लोग कंपटीशन है नहीं, एडवर्टीजमेंट करना नहीं, सेल्स प्रमोशन करना नहीं, तो काय बात की वेस्टेज, तो रिसोर्सेज हमारे वेस्ट नहीं होंगे, मतलब कि उसकी यूटिलाइजेशन जो होगी वो बिल्कुल ऑप्टिमम और बेटर हो पाएगी। अनएम्प्लॉयमेंट जो होगा वो भी यहाँ पे मिनिमाइज रहेगा, क्यों? क्योंकि सबको अपॉर्चुनिटी एक जैसी दी जा रही है और सारा कुछ प्लान किया जा रहा है एक अथॉरिटी के द्वारा, तो वो इस तरीके से इन चीजों के ऊपर भी ध्यान रखेगी और अनएम्प्लॉयमेंट नहीं आने देगी। एब्सेंस ऑफ प्रॉफिट, कि यहाँ पे प्रॉफिट अगर नहीं है तो इसको कहा जा रहा है इस तरीके से कि भैया एक तरीके से नेगेटिव चीज है, लेकिन इसको मेरिट में किस तरीके से लिया जा रहा है, इसको लिया जा रहा है कि एब्सेंस ऑफ प्रॉफिट मोटिव हेल्प्स द कम्युनिटी टू डेवलप अ कोऑपरेटिव मेंटेलिटी एंड अवॉइड क्लास वॉर। मतलब कि भैया जब प्रॉफिट नहीं होगा तो कोई क्लासेस नहीं होंगे कि वो प्रॉफिट मेकिंग कंपनी है, वो बड़ी कंपनी है, वो रिच कंपनी है, वो स्मॉल कंपनी है, वो पुअर कंपनी है, इस टाइप की क्लासेस वॉर जो होते हैं वो नहीं होंगी। सबकी मेंटेलिटी जो होगी, जो लोगों की है, जो कंपनीज की मेंटेलिटी यहाँ पे चलेगी, वो एक तरीके से कोऑपरेटिव नेचर की होगी, वो दूसरों की मदद करेंगे और ओवरऑल सोसाइटी का वेलफेयर जो है वो इंश्योर हो पाएगा इसकी मदद से। ठीक है जी, सोशलिज्म जो है, मतलब जो हमारी इकोनॉमी है ये इंश्योर करती है राइट टू वर्क। ये आपने देख लिया था कि राइट टू वर्क तो यहां होता है लेकिन चॉइस ऑफ ऑक्यूपेशन यहाँ पे नहीं होता। अगला कि यहाँ पे जो लेबर्स होंगे, जो कंज्यूमर्स होंगे, उनको एक्सप्लॉइट नहीं किया जाएगा। जो आपने डिमेरिट देखा था लास्ट वाले के अंदर, उसके अंदर हमने डिमेरिट में देखा था कि भाई एक्सप्लॉइटेशन होता है क्योंकि यहाँ पे रूल वगैरह नहीं होते, गवर्नमेंट का इंटरवेंशन नहीं होता है। बट ऐसी इकोनॉमी जो सोशलिस्ट इकोनॉमी है, यहाँ पे तो पूरा गवर्नमेंट ही मैनेज कर रही है, तो ऑब्वियस ही बात है जो कंज्यूमर है या फिर जो हमारे लेबर्स हैं उनका यहाँ पे एक्सप्लॉइटेशन जो होता है वो काफी हद तक मिनिमाइज हो जाता है या फिर ना के समान हो जाता है। दूसरी बात अगर कहते हैं कि जो मोनोपोलीज वगैरह होती है वो भी इस टाइप की क्रिएशन यहाँ पे नहीं हो पाती, तो ये भी एक अच्छी चीज है सोशलिस्ट इकोनॉमी के अंदर। अगला आता है कंप्रिहेंसिव सोशल सिक्योरिटी, मतलब क्या है कि अगेन यहां पे जो मैनेजमेंट है वो पूरा का पूरा किसके हाथ में है, सेंट्रल प्लानिंग अथॉरिटी के अंदर, मतलब मोरा मोटा कह सकते हो कि गवर्नमेंट के हाथ में है। तो यहां पे एक जो सिटीजन है उनको सिक्योरिटी भी फील होती है बाय वे ऑफ गवर्नमेंट, मतलब आपस में लोगों किसी की लड़ाई नहीं होगी, आपस में कोई प्राइस वॉर नहीं होगा, किसी भी टाइप का कोई कंपटीशन नहीं होगा, तो एक तरीके से पूरी पूरी सोशल सिक्योरिटी प्रोवाइड की जाती है बाय वे ऑफ दिस सोशलिज्म इकोनॉमी। तो ये एक तरीके से इन्होंने बेनिफिट को क्लासिफाई किया है। इसके अंदर बहुत सारी डिमेरिट भी थी, बट ऑब्वियसली बात अगर हम समझने की बात करते हैं तो हम एक साइड नहीं होना है हमें, हम अनबायस तरीके से अगर डिसीजन लेते हैं तो हम इसको एक एज अ मेरिट डिसाइड करेंगे और फिर अगली बात करेंगे हम डिमेरिट के ऊपर। डिमेरिट क्या कहेगा, डिमेरिट कहता है कि सोशलिज्म इन्वॉल्व द प्रीडोमिनेंस ऑफ ब्यूरोक्रेसी एंड रिजल्टिंग इन एफिशिएंसीज एंड डिले। मतलब क्या है कि यहाँ सब सारा कुछ जो है वो ब्यूरोक्रेट डिसीजन होगा, मतलब एक अथॉरिटी के द्वारा डिसाइड किया जाएगा, तो उस पर डिपेंडेंट हो जाएंगे। डिपेंडेंट हो जाएंगे तो ऐसा भी हो सकता है कि इन एफिशिएंसी आ जाए और कामों में डिले होने लगे। दूसरी बात कि भैया ऐसी सिचुएशन के अंदर कहते हैं ना, जैसे गवर्नमेंट का अगर पूरा पूरा इन्फ्लुएंस होगा, जैसे सपोज करो मैं इंडिया में एग्जांपल दूं कि सारा कुछ सपोज गवर्नमेंट मैनेज कर रही होती तो क्या होता, बहुत ज्यादा करप्शन होता, रेड टेपिज्म होता, फेवरेटिज्म होता, मतलब कि जो गवर्नमेंट को अच्छा लगेगा वो काम करेगी, जो अच्छा नहीं लगेगा उसको ना करेगी ना करने देगी, आप कुछ आवाज भी नहीं उठा सकते। तो इस टाइप की डिमेरिट होती है जो कि एक्चुअल में आप सुन रहे होंगे, समझ रहे होंगे कि आजकल चल रहा होता है कई ऐसी कंट्रीज के ऊपर। तो ये एक चीज है जो कि डिमेरिट्स के अंदर काउंट की जाती है। फ्रीडम ऑफ इंडिविजुअल्स, इंडिविजुअल्स की कोई फ्रीडम नहीं है यहाँ पे, वो प्रॉपर्टी नहीं परचेज कर सकते हैं, वो अपने हिसाब से कोई काम नहीं कर सकते, अपने हिसाब से प्रोडक्शन नहीं कर सकते हैं, तो कहीं ना कहीं ये रेस्ट्रिक्ट किया जाता है, तो ये भी एक डिमेरिट का पार्ट है। अगला आ गया वही कि बेसिक राइट जो हमारा जो फंडामेंटल राइट होता है राइट टू प्राइवेट प्रॉपर्टी का, वो इनको नहीं दिया जाता इन इकोनॉमी के अंदर। उसके बाद
प्रॉफिट मेकिंग है नहीं, तो इसलिए अगर कोई अच्छा काम भी करता है, कोई हार्डवर्क भी करता है, तो उसको इंसेंटिव्स वगैरह जो है वो एडिशनली प्रोवाइड नहीं किए जाते। तो ऑब्वियस ही बात है, जो उसकी एक कहते हैं ना कि जो टैलेंट है वो ज्यादा एक्सप्लोर नहीं हो पाता बिकॉज ऑफ दिस, बिकॉज ऑफ एब्सेंस ऑफ इंसेंटिव्स। अगला आता है कि एडमिनिस्ट्रेटेड प्राइजेस आर नॉट डिटरमाइंड बाय द फोर्सेस ऑफ द मार्केट, मतलब कि जो प्राइस होगा प्रोडक्ट का वो जनरली डिमांड सप्लाई के बेसिस पे डिसाइड होता है सभी जगहों पे, लेकिन इस इकोनॉमी के अंदर ऐसा नहीं हो पाता। क्यों? क्योंकि यहां पे सारा कुछ जो वो मैनेज किया जा रहा है वो मैनेज किया जा रहा है अथॉरिटी के द्वारा, तो इसलिए बायर सेलर का नेगोशिएशन या इस टाइप की चीजें जो है वो यहां पे नहीं रह जाती है। मार्केट जो है वो कहीं ना कहीं पूरा का पूरा मैनेज किया जाता है इन्हीं अथॉरिटीज के द्वारा, और जो इनका रिसोर्सेज एलोकेशन है वो हम कहते हैं कि मतलब जो जनरली ये इकोनॉमी कहती है कि जो रिसोर्सेज एलोकेशन है वो बिल्कुल साइंटिफिक और बहुत ही इकोनॉमिक तरीके से होगा, लेकिन कभी भी ये पॉसिबल नहीं हो पाएगा अगर आप मार्केट को इन्फ्लुएंस नहीं करोगे, मार्केट के ड्राइवन थ्रू से नहीं चलोगे। मतलब कि अगर जब तक फ्रीडम नहीं होगी, मार्केट का इन्फ्लुएंस नहीं होगा, प्राइस मैकेनिज्म नहीं होगा, तब तक आपके जो एलोकेशन ऑफ रिसोर्सेज है वो साइंटिफिकली एफिशिएंटली नहीं हो सकते, एक तरीके का इम्पॉसिबल है। तो इसलिए भी ये डिमेरिट का पार्ट बनता है। स्टेट मोनोपोलिस, तो ऑब्वियस ही बात है कि यहां पे ये तो कहा गया कि प्राइवेट मोनोपोली नहीं बनने देंगे, मतलब कंट्री ये कह रही है कि हम किसी भी कंपनी को ऐसा नहीं आने देंगे जो कि चाइना के अंदर कोई ऐसी कंपनी बना सके जो अपने आप में मोनोपोली होगी, ये तो कह रही है। लेकिन कहीं ना कहीं चाइना ने तो मोनोपोली बना दिया ना, चाइना ने तो मोनोपोली क्रिएट कर रखा है। तो कहा जा रहा है क्या कि स्टेट मोनोपोलीज होती है ऐसी कंट्रीज के अंदर, ऐसी इकोनॉमी के अंदर जो कि प्राइवेट मोनोपोलीज से ज्यादा डेंजरस है, जो कि प्राइवेट मोनोपोली एक मोनोपोली बनाता इससे ज्यादा डेंजरस है कि पूरी एक जो कंट्री की गवर्नमेंट है उसी ने मोनोपोली क्रिएट कर रखा है। तो इसलिए ये भी डिमेरिट का पार्ट बनता है। इन इकोनॉमी के अंदर फ्रीडम ऑफ च्वाइस नहीं होता है, क्या प्रोड्यूस किया जाएगा, क्या कंज्यूमर एक्सेप्ट करेगा, ये सारा कुछ जो है वो डिसाइड कौन करता है, स्टेट डिसाइड करता है। यहाँ पे फ्रीडम ऑफ चॉइस ना प्रोडक्शन के लिए है और ना ही कंजम्पशन के लिए है। एफिशिएंसी, प्रोडक्टिविटी, इस चीजों के ऊपर यहाँ पे बात ही नहीं की जाती है। आप अच्छा काम करते हो, बुरा काम करते हो, इससे ज्यादा फर्क नहीं पड़ता। कोई ज्यादा अपना टैलेंट एक्सप्लोर करना चाहे तो उसका उसको अलग से इंसेंटिव वगैरह नहीं पड़ता है, तो इसलिए ये यहाँ पे इंपॉर्टेंस नहीं रह जाता है। कोई भी लेबर्स वगैरह को रिवॉर्ड वगैरह नहीं दिया जाता अगर वो बहुत बेहतरीन तरीके से कोई काम करे, और साथ ही में अगर कोई बुरा काम करे तो उसका इंसेंटिव छीना भी नहीं जाता है, उसको पनिशमेंट भी नहीं दिया जाता है। तो तरीके से कह सकते हो कि इक्वालिटी लाने के चक्कर में कहीं ना कहीं ये डिमेरिट क्रिएट कर देता है यहाँ पे। उसके बाद फिर कहा गया कि जो एक्सट्रीम फॉर्म ऑफ सोशलिज्म है ये कभी भी पूरा प्रैक्टिकली पॉसिबल ही नहीं है कि हो जाए, इसके अंदर कुछ ना कुछ लूपहोल लगा ही रहेगा जिससे कि इकोनॉमी अच्छे से रन नहीं कर पाएगी। अब ऑल्दो आप देख रहे हो कि पावरफुल कंट्रीज तो इसके थ्रू बन जाती हैं, लेकिन ओवरऑल अगर आप वर्ल्ड लेवल पे बात करें तो वो बहुत अच्छा इंपैक्ट क्रिएट नहीं कर पाती बिकॉज ऑफ दिस टाइप ऑफ इकोनॉमी। ठीक है, तो अभी तक हमने बात कर ली सारी विदेशों की, हमने यूएस यूके की बात कर ली, हमने चाइना क्यूबा की बात कर ली। अब जो नेक्स्ट पार्ट बात करेंगे वो हम बात करेंगे इंडिया की, जो कि फॉल करता है मिक्स्ड इकोनॉमी के अंदर। अब मिक्स्ड इकोनॉमी को देखेंगे अपने सेपरेट पार्ट के अंदर। टिल देन इतना ही, आई होप आपको चीजें समझ में आ रही होगी। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में।